उपमंडल पधर में विकासखंड द्रंग की 45 ग्राम पंचायतों के प्रधान तथा उपप्रधानों की विशेष बैठक का आयोजन पंचायत समिति हॉल में किया गया। इस खबर के प्रायोजक है हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट, जिसकी अध्यक्षता पंचायती राज महासंघ द्रंग के प्रधान जितेंद्र कुमार ने की। बैठक में चर्चा की गई कि जिला परिषद काडर के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा कलम छोड़ हड़ताल जो 30 सितंबर से अनिश्चितकाल तक की जा रही है। कर्मचारियों की मांग है कि इनको जिला परिषद काडर से पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित किया जाए, ताकि ये भी सरकारी कर्मचारी बन सके, क्योंकि ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इनकी मांग जायज है। विकास खंड द्रंग के सभी पंचायत प्रतिनिधि इन कर्मचारियों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इन कर्मचारियों को जिला परिषद काडर से पंचायती राज विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग में समायोजित किया जाए, ताकि यह कर्मचारी अपनी कलम छोड़ हड़ताल को छोड़कर पुनः ग्राम पंचायतों में अपनी सेवाएं दे सकें, क्योंकि इनके हड़ताल में जाने से पंचायतों के विकास कार्यों में बाधा आ रही है। आवाज दो। जिला परिषद काडर अधिकारी एवं कर्मचारी महासंघ द्वारा जो पिछले 3 दिनों से जो कलम छोड़ो हड़ताल चली है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर और द्रंग ब्लॉक के अंदर भी जो हड़ताल यहाँ पे चली है, उस हड़ताल का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ। हमने जिला परिषद की मीटिंग के अंदर भी एक प्रस्ताव पारित किया है, ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं इनको जो है ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज विभाग के अंदर विलय किया जाए, ये प्रस्ताव हमने जिला परिषद के अंदर भी पारित किया है। और जब तक ये आंदोलन चलेगा हमारा समर्थन जो है, मैं सभी पंचायत प्रतिनिधियों से अपील करता हूँ कि वो भी इस आंदोलन में इनका समर्थन करें, ताकि आने वाले दिनों के अंदर सरकार जो है बिल्कुल जायज मांग है, जब तक इनका विभाग में विलय नहीं होता इस आंदोलन में हम इनके साथ रहेंगे और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो इस आंदोलन को और तेज करने के लिए हम जनता को भी इसमें शामिल करेंगे। सरकार और भारत सरकार द्वारा अनेक एजेंडे जो है चर्चा करने के लिए जो है पंचायतों को दिए गए थे, जो कि मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो पाए। आने वाले समय में जीपीडीपी की जो है ग्राम सभा आने वाली है, जिसमें कि हमारा आने वाले जो विकास कार्य होते हैं उसके ऊपर चर्चा की जाती है। जो अन्य विभागों से आज कार्रवाइयाँ लिखने के लिए जो कर्मचारी पंचायतों में भेजे गए थे, मैं समझता हूँ कि वो अन्य विभाग से आए हुए हैं, वो इस विभाग के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जिससे कि प्रधानों को जो काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा है। हमारी मांग है हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी से, पंचायती राज मंत्री जी से, कि जो मांग कर्मचारियों की है जिला परिषद कैडर से जो है पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग में विलय करने की, इसके ऊपर तुरंत सोच विचार करके जो है सही कदम जो है लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में पंचायतों की जो जनता है वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करेगी। पहले ही पंचायतें जो पिछले 3 महीने से जो भारी आपदा देश में आई थी, उस कारण जो है पंचायतों के विकास के कार्य जो है पूरी तरह से ठप पड़े हैं। धीरे धीरे जैसी रफ्तार बढ़ती जा रही थी, आज जो हमारे पंचायत सेक्रेटरी जो है वो आज। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पद्धर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल एग्रीकल्चर इनपुट का उत्पाद काला मोती, यह एक उत्पाद है जो सक्रिय कार्बन प्रौद्योगिकी पर काम करता है, एक्टिव कार्बन टेक्नोलॉजी, उत्कृष्ट पोषक उपयोग दक्षता, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी के साथ। काला मोती 84 प्रकार के प्राकृतिक पौधों के घटकों सहित सभी पौधों की सामग्रियों का एक संयोजन है। यह 14 प्रकार के रोगाणुओं की प्रकृति में कार्बनिक है, जो सभी प्रकार की बीमारी के इलाज में मदद करता है और पौधों की नई सफेद जड़ों को विकसित करने में मदद मिल सके। मिट्टी से पौधों द्वारा खाद्य प्रणाली का बेहतर उत्थान। यह लंबे समय तक धीमी गति से जारी उर्वरक है। यह उत्पाद अमीनो एसिड, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और फ्लूविक एसिड से समृद्ध है। मृदा अनुप्रयोग के तहत सभी प्रकार के उर्वरक के साथ संगत इसका एक दानेदार उत्पाद मिट्टी, कार्बन सामग्री, वायु छिद्रण की जल धारण क्षमता में सुधार करने वाले एकजुट के रूप में काम करता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया तकनीकी एक्सपर्ट से संपर्क करें। काला मोती का योग संपूर्ण वातावरण निरोग। संपर्क करें 9882031400।